कोशिश करेंगे और कर रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट हम देखते हैं तो मेंसेस मर्दों को तो नहीं आते, औरतों को आते हैं। मेंसेस के दौरान, मेंसेस के पहले, मेंसेस के बाद में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं मर्दों को तो नहीं होते हैं, औरतों को होते हैं। प्रेगनेंसी मर्दों को तो नहीं होती, मर्द कभी प्रेग्नेंट नहीं होता, औरतें प्रेग्नेंट होती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग, दूध जो आता है फादर के पास नहीं आता है, माँ के पास आता है, माँ बच्चे को भी पिलाएगी। अब उसे वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए, सारी के सारी जिम्मेदारियों को अदा करते हुए, एक मदर की जो जिम्मेदारी है, जो पैदाइश के टाइम पर, प्रेगनेंसी के दौरान जो कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फीडिंग के दौरान कई चेंजेस होते हैं, ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स है, ये कोई थ्योरी नहीं है अभी। तो हम देखते हैं वो सारी जिम्मेदारियों को अदा करते हुए भी उस पर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई है कि आपको जॉब भी करना है। और जैसे मॉडर्न सिटी एनवायरमेंट्स में, जैसे हम देखते हैं कि थिंकिंग ये होती है कि घर का खर्चा आधा बीवी संभालेगी, आधा शौहर संभालेगा। लेकिन ये बताओ भाई, बच्चा पैदा करने में भी आधा आधा रोल अदा करेंगे? बच्चा प्रेगनेंसी आधी आधी, कि 9 महीने में से 4.5 महीने तुम, 4.5 महीने में? नहीं नहीं। दूध पिलाने में भी आधी आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं। जो बच्चे के जज्बात को समझने में? नहीं। तो हम देखते हैं कि काम में, हाँ। अब इससे रिजल्ट्स क्या क्या पैदा हुए? रिजल्ट्स में हम पहले बाहर का एनवायरनमेंट देखते हैं। वो औरतें जो काम कर रही हैं तो वहाँ पर एक इंटरमिंगलिंग का एनवायरनमेंट, मिक्सिंग का एनवायरनमेंट, जहाँ मर्द और औरतें दोनों काम कर रहे हैं, और एक ओपन एक्सपोजर का जो एनवायरनमेंट होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है? यूएन के जनरल असेंबली में आया था और सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट में ये बात कोट हुई थी कि यूरोपियन यूनियन के अंदर, पूरे यूरोपियन यूनियन में जितनी औरतें काम करती हैं उनमें से 40% का कहना है कि एट वर्क उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। 40%। अब बताओ, 100 औरतें काम कर रही है, 40 का सेक्सुअल अब्यूज हो चुका है, उनका कहना है। ये रिपोर्ट सब लोग शायद ना करें, बॉस नाराज हो जाएगा, मोर देन हाफ, दुश्मन पैदा हो जाएंगे, लेस देन हाफ, 40% नहीं, अगर उसको भी इंक्लूड कर लिया तो मोर देन हाफ, बिल्कुल सही, इन दैट केस इट विल गो मोर देन हाफ। तो हम ये देखते हैं कि ये एक चीज है। अमेरिका की सर्टन रिपोर्ट्स के अंदर हमने देखा कि 25% की रिपोर्ट है, और हफिंगटन पोस्ट के एक पोल के अंदर हम ये देखते हैं, उन्होंने बताया कि 13% बॉसेस होते हैं, 13% जो अपने सबॉर्डिनेट, अपने जूनियर के साथ कुछ सेक्सुअल अब्यूज करते हैं, और 19% को वर्कर्स होते हैं। तो उस रिपोर्ट के अंदर 32% का फिगर है, और इंडिया कोई बहुत पीछे नहीं है।